ये फाइनल मैच हो रहा है फुटबॉल का, इसके हवाले से कोई बात करेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। अब्बास डोगर साहब हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और इनकी मेहरबानी है, ये मुझे हमेशा तकलीफ़ देते हैं कि मैं इधर हर दफ़ा आता हूं और मुझे ये शर्फ बख्शते हैं कि मैं तकसीम इनामात हमेशा करता हूं। और ये पहले की तरह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, इस दफ़ा भी ग्राउंड तो इन्होंने पिछले साल से ही बहुत अच्छी कर ली है माशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे हमने पहले भी अपने मेहमान से पूछा है और इस ग्राउंड के हवाले से कोई स्पेशल आप बात कहेंगे, क्योंकि इस पूरा एरिया को अगर घूम लें तो इस तरह की जो लेवल है, जो ग्राउंड है, वो हमें तकरीबन फैसलाबाद पूरे में नज़र नहीं आती, क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी, हमारे इलाका, चूँकि मैं तो इसको फुटबॉल का मैनचेस्टर कहता हूँ क्योंकि इसमें 32 टीमें, वैसे तो इसमें 64-65 टीमें हैं हमारे इलाके में, लेकिन इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेती हैं और उन 32 में से फिर दोबारा ये क्वालिफाई राउंड होता है और 32 खेलती हैं जो भी टूर्नामेंट होता है। तो मैं इस ग्राउंड को मैं हमेशा जाता रहता हूं, मुझे सारे बुलाते रहते हैं और मैं अक्सर सभी दोस्तों के यहाँ जाता रहता हूं, सभी टूर्नामेंट्स में अक्सरियत मैं शिरकत करता रहता हूं माशाल्लाह। लेकिन ये सबसे अच्छी ग्राउंड है, हम हमेशा बात करते हैं कि ये 71 जीम बेसरली की जो ग्राउंड है ये बहुत अच्छी है। अच्छा सर, अब फाइनली ये बताइए, माशाल्लाह दोनों टीमें खेल रही हैं, आप मेरा नहीं ख्याल के किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन दोनों टीमों के लिए कोई विशेज नहीं? माशाल्लाह जी दोनों टीमें मेरे इलाके की हैं और ये फ़ाइनल में पहुंची हैं और हमेशा अक्सर इधर होता है, बाहर से भी टीमें आती हैं लेकिन हमारे इलाके की जो अक्सर दोनों टीमें हैं ना वही फ़ाइनल खेलती हैं। फाइनली इस इंतज़ामिया के लिए कोई बात कहना चाहेंगे जितने इतना खूबसूरत, और क्राउड के लिए स्पेशली आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पूरा क्राउड इस वक्त ग्राउंड बिल्कुल फुल हुआ पड़ा है, इसके बारे में कुछ कह दें? माशाल्लाह जी ये फुटबॉल लविंग पीपल हैं और बहुत अच्छा ये फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं और हमेशा आप देखेंगे जिस टूर्नामेंट में भी जाएंगे ऐसे ही रश होगा। और इधर तो माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ फाइनल में बहुत ज़्यादा रश है और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, टाइमिंग के लिहाज से मौसम भी अभी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है माशाल्लाह जी, ये सब तारीफ़ के लायक हैं और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, जिस तरह हमारे मेहमान लाहौर से आए हुए अभी मेरे से इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने भी बेस्ट विशेज़ दी हैं और आप जैसे लोग जो यहाँ पर मुकामी लेवल पे बैठे हैं, तो आपकी अगर सरबराही रही तो इंशाल्लाह यहाँ से बेहतर काम होगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर, मियाँ रिजवान अली, और लाहौर से मॉडल टाउन के जो फुटबॉल उनके भी ओनर हैं और फैसला पूरे लाहौर की फुटबॉल को ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो हम आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं इस ग्राउंड में, पहले आप बताइएगा इस माहौल के बारे में कुछ। देखिए जी, मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं फैसलाबाद आके ऐसे टूर्नामेंट में मैच देख रहा हूँ, इतना बड़ा क्राउड देख रहा हूँ मैं, और बहुत कम ऐसे गाँव हैं जिसमें ऐसी खूबसूरत ग्राउंडें होती हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो ग्राउंड है ये फुटबॉल के लिए एक जन्नत है ये। अच्छा सर, आज माशाल्लाह फाइनल है और आप भी आए हैं, कुछ क्राउड के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे? देखें, ये जहाँ अच्छे मैच होते हैं वहाँ क्राउड भी माशाल्लाह अच्छा होता है, तो ये इतना खूबसूरत क्राउड है मैं हैरान इस बात पर हूँ, कोई ऐसी मामला नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है रेफरीज के लिए, प्लेयर के लिए, खामोशी से क्राउड बैठा हुआ देख रहा है, जो प्लेयर अच्छे अटैक करती हैं उसमें डेफिनेट उनको दाद मिलती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है माशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ें कर रही हैं, इन लोगों के बारे में कोई आप, क्योंकि आप जैसे लोग जब यहाँ पर आकर इन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो ये मज़ीद मामले इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, इस इंतज़ामिया के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि जो लोग इस ग्राउंड को बात कर रहे हैं, जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो लोग इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं, मैं समझता हूँ
कि उनका भी शुक्र अदा करता हूँ मैं, और साथ साथ जो मुझे यहाँ लेके आए हैं ताहिर साहब हैं, उसके बाद हमारे ये साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि देखें हम लोग अगर लाहौर में खेल रहे हैं, ये क्लब लाहौर में फुटबॉल ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे इलाकों में जाएँ, देखें टैलेंट को, देखें टैलेंट को हाईलाइट करें। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इनको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, जो लोग इनको हेल्प कर रहे हैं, वो एक मैं समझ एक न्यू जनरेशन की हेल्प कर रही हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे रही हैं बच्चों को। अच्छा सर, एक थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसे ग्राउंड्स को अपने पैनल में लेके आती। अब आप अगर देखें पूरे फैसलाबाद में इस लेवल का ग्राउंड, मैंने क्योंकि मैं खुद मीडिया को कवर करता हूं ग्राउंड्स को, इस लेवल की ग्राउंड नहीं है, क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि यहाँ पर, मैं कम अज़ कम ये कहूँ कि जिस तरह से अब ये मौसम थोड़ा सा डार्क हो गया है, अगर यहाँ पर फ्लड लाइट लग जाएँ या कोई और, इसके बारे में कुछ आप ज़रूर कहें। देखिए जी, मैं तो जो इंतज़ामिया है यहाँ की हैं, उसके बाद फैसलाबाद की इंतज़ामिया जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ, जो DSO हैं, उनसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी ग्राउंडों में फ्लडलाइट होनी चाहिए, जहाँ इतना क्राउड आता है, इतना टैलेंट हाईलाइट होता है। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि ऐसी ग्राउंडों में जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करनी चाहिए, ताकि इनको भी मौका मिले फ्लडलाइट खेलने का। तो इसमें जूम मैं भी इंशाल्लाह इनकी जो रिक्वेस्ट है ऊपर तक लेके जाऊंगा मैं, कि ऐसी ग्राउंडों में ऐसे मैनेजमेंट की हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों की इसी तरह से अगर रहनुमाई रही, हमारे सर पे आप लोगों का हाथ रहा, तो इंशाल्लाह इस ग्राउंड से जितने भी प्लेयर ऑलरेडी इस इलाके से, इस एरिया से जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की टीम में शामिल, जी बोलें सर। एक तो जी मैंने पहले अनाउंसमेंट किए थे कि यहाँ तौसीफ फुटबॉल एकेडमी की मैंने बुनियाद कह दिया रखें। जिंदाबाद सर, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। और 1 जनवरी 2021 में यहाँ जितना भी यूथ आएगा, बच्चे आएंगे, उनको प्रॉपर हम यहाँ फुटबॉल देंगे, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स देंगे, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉपर या कोचिंग होगी। मैं ये मैच देख रहा हूँ, इस मैच में जो बच्चों में फॉल्ट है ना, वो है कि वो ग्राउंड लेवल बॉल नहीं खेल रहे, सब हाई लेवल बॉल खेल रहे हैं, कोई हेडिंग कर रहा है। जब इन जो बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, मैंने देखे अभी जो ग्राउंड में भी गए हैं, इन बच्चों को जब ग्रास लेवल के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी ना, तो ये जो मैच देख रहे हैं, जब ये खेलेंगे आप खुद देखेंगे कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ खेलने का। फिर उनको बेसिक फुटबॉल मिल जाएगी उनका खेलने का एक, तो इंशाल्लाह 1 जनवरी में इंशाल्लाह हम यहाँ बुनियाद रखेंगे एकेडमी की इंशाल्लाह। सर यही हमें चीज़ें चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल से जब ये चीज़ें शुरू होती हैं, तो ये चीज़ जब हाईलाइट होती है तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर जाती है। तो फाइनली अब लास्ट वर्ड आपका इस टूर्नामेंट के लिए, फाइनली मैं तो ये कहूँगा ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि लोगों को मौका मिले देखने का और खेलने का और लाइफ को एंजॉय करें बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं असद मानसा खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और फैसलाबाद की मानी जानी शख्सियत हैं। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आज ये फाइनल खेला जा रहा है तौसीफ अली शेर मेमोरियल टूर्नामेंट का, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? माशाल्लाह मैं इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं मोहतरम जनाब अब्बास साहब को, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि माशाल्लाह इस ग्राउंड में जिस तरह उन्होंने रौनक बनाई हुई है और फुटबॉल की प्रमोशन के लिए जो वो इकदाम कर रहे हैं, माशाल्लाह उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो काम है। एक छोटे से एक गांव में इतना बड़ा इवेंट कराना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में। इसको मैं कहूँगा कि ये एक जहाद का काम है जो उन्होंने जारी किया हुआ है माशाल्लाह। हम इंशाल्लाह उनको हर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे और अपनी दुआओं और मोहब्बत के साथ उनको। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा इस एरिए में ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं आपके सामने है, एक दफ़ा तो इंसान की तबीयत दुरुस्त हो जाती है कोई ग्राउंड के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से? वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि इस छोटे से गांव में इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त शानदार ये जो ग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ है,
और मैं कहूँगा कि पंजाब में इस लेवल का ग्राउंड कहीं भी नहीं है, और ये अपनी मदद आपके तहत इतना बड़ा इवेंट कराना और इस ग्राउंड को मेंटेन करना, माशाल्लाह इनकी इंतज़ामिया, इनके ऑर्गेनाइज़र को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश। अच्छा सर, फाइनली ये बताइएगा, आज फाइनल है और इंतजाम आपके सामने हैं, ये दूसरे लोग भी भाई अरशद के साथ हैं, तो क्या इन लोगों के लिए कोई आखिरी वर्ड बोल दें आप? मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरह आबाद साहब ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, और उनके साथ जितने भी इंतज़ामिया हैं, उनके जितने भी दोस्त हैं, मैं कहूँगा कि ये आज के दौर में इस तरह का इवेंट कराना अपनी मदद आपके तहत, मैं कहूँगा कि भाई एक जहाद का काम है, और इस जहाद में जिस तरह सब लोग शामिल हैं, हमें भी बढ़ चढ़ कर इनका हिस्सा लेना चाहिए, और ये नौजवान नस्ल है उनको ये बुराइयों से और जितने भी यानी कि नशा आवर जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रखने के लिए ये ग्राउंड आबाद होंगे तो हमारे अस्पताल जितने भी हैं वो वीरान होंगे, और इंशाल्लाह हम फुटबॉल की प्रमोशन के लिए आबाद साहब उनकी इंतज़ामिया उनके साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं। चाहे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अभी वर्क नहीं कर रही, हमें कहेंगे कि हमारे ऊपर एक फीफा की तरफ से बैन किया हुआ है पाकिस्तान को, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद जैसे भी ये इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह फेयर इलेक्शन होकर हम फुटबॉल की प्रमोशन के लिए जो भी लोग अभी आएंगे इकतदार में फुटबॉल की रनिंग के लिए, इसको रनिंग पॉइंट पर दोबारा ले आने के लिए इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया, कैप स्टूडियो की जानिब से इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतें और चाहते हैं अगर इसी तरह रही तो ये ग्राउंड इंशाल्लाह बात रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, तौसीफ एंड अली शेर मेमोरियल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र और बड़े चीफ जो इस वक्त इस पूरी ग्राउंड को हेड करते हैं, अब्बास डोगर साहब, और ये पाकिस्तान के भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वापडा की तरफ से भी खेलते रहे हैं, अभी इस्लामाबाद की तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत ज़्यादा तुम मुबारक हो टूर्नामेंट कराने के उत्ते, अज माशाल्लाह दा फाइनल चल रहा है, की कहोगे इस फाइनल बारे? तुहाडे सामने है जी, ए विलेज टूर्नामेंट ते इस तरह दा मियार अज तक मैं भी बड़िया ग्राउंड गया पाकिस्तान के हर जगह हर शहर च खेलिया, इस तरह का क्राउड इस तरह का ग्राउंड मैं पाकिस्तान च नहीं देखिया। अब्बास भाई देखो अज माशाल्लाह फाइनल चल रहा और है पूरा क्राउड है पूरा पिंड वेख के दिल में एक बार खुशी तो होंगी कि ताकि मेहनत रायगा ले आई, इस क्राउड के बारे कुछ कहोगे सानू? हाँ जी, इस क्राउड के बारे साढ़े चीफ गैसट आए हैं लाहौर तो जी, अपना मियाँ रिजवान साहब, नदीम साहब, अपना ताहर साहब जेडे रीडर दे क्लब दे फुटबॉल दे मैनेजर आ, इम्तियाज़ साहब आ लैलपुर दे, इस तरह ही साढ़े चीफ गैसट अपना गफार संधु साहब आ,
उम्मीदवार जिला कौंसल फैसलाबाद के उम्मीदवार आ अगे भी असी टूरनामेंट करवाए थे उन्होंने सानू फाइनल साडे चीफ गैस से होर साडे चीफ गैसट बखर तो आए आ राणा असद अब्बास खान साहब डी एफ ए अपना प्रेजिडेंट है वह भी देख के उन्होंने भी जिस तरह जिस टाइम वो ग्राउंड से आए आ उन्होंने भी कहा कि असी आ देख के क्राउड और इस ग्राउंड ग्राउंड का ग्रास क्राउड देख के वह भी बहुत उन्होंने एपीशेट किया मेहनत के उत्ते तो किसी को कोई शक नहीं है तेरे नाल जो लड़के शामिल ने जो पिंड वाले लोग शामिल ने उन्होंने कोई अल्फाज कहना चाहोगे तुसी? हाँ साढ़े पिंड वाले लोग जोड़े आ वो बड़े अच्छे लोग आ साढ़े पिंड के साढ़े जोड़े बच्चे आ जोड़े इतने खेलते उन्होंने बहुत कोशिशा वा तसीफ एफ सी के जितने भी प्लेयर आ उन्होंने रात दिन मेरा साथ दिता इस ग्राउंड उन्होंने मेहनत की मेरे नाल अली शेर एफ सी के जितने प्लेयर आ उन्होंने बड़ा साथ दिता बहुत अच्छे लोग आ साढ़े पिंड के अच्छे लोग आदि वजह यह आ कि अज वह मेहनत रंग ले आई आ साड़ी सरलियां ग्राउंड की तारीफ पूरे पाकिस्तान हो रही आ और ये सामने आ इस तरह का क्राउड इस तरह का ग्राउंड इस तरह का माहौल घट ही पाकिस्तान देखा जाता है। साढ़े आवाज भी देखने वाले थोड़ा जहा इस टूरनामेंट के बारे शुरू तो दसोगे कितनी टीम टोटल? मेरे इस टूरनामेंट 40 टीम सी टीम तो बहुत ज़्यादा सी फिर 40 टीम सी जिसों अज आ दो टीम खुशकिस्मत 272 मजारा 38 डगोरा जिहड़ियां फाइनल च पहुंचियां मैं मुबारकबाद पेश करदा इन्हां दोवां टीमां नूं और मुबारकबाद पेश करदा मैं अपने जितने भी मेरे इस टूरनामेंट दे विच चीफ गैसट आए आ उन्हां दा मैं शुक्रिया अदा जितना करा। शफीक साहब सब तो ज़्यादा फुटबॉल नूं प्रमोट करन वाले ये लोग आ ये लोग जिहड़े आ असल फुटबॉल नूं प्रमोट ये कर रहे जिहड़े चीफ गैसट आए साढ़े असल किरदार इन्हों का वा इस तरह के लोग जोड़े आ फुटबॉल में बेहतरी की तरफ लिया रहे हैं बहुत अहम किरदार है इन्हों का जितने भी साढ़े चीफ गैसट है ना ये हर जगह जाते फुटबॉल की बेहतरी वास्ते जिते भी कोई इन्होंने बुलाए ये रात दिन हाजिर आ और इन्हों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करा वो थोड़ा वा। मैं अब्बास भाई तुहाडा माशाल्लाह इस पूरे पिंड नूं शुक्रिया अदा करदा कि इस तरीके की एक्टिविटी जिहड़ी तुसी इस पिंड च उजागर की और खास कर जिहड़ा ग्राउंड आ इहदे हवाले नाल असी यकीन करो साडा देख के ते तबीयत राजी हो गई एक बारी ते हुण फाइनल दोवें टीमों के बारे एक बारी फिर जरा दोवां टीमों नूं विश कर दिओ और इस टूरनामेंट नूं असी अपने लो विश कर दिता जी। शुक्रिया शफीक साहब ये दोनों टीमों नूं मुबारकबाद पेश कर देवां फाइनल च आउण दी अगे हुण इहनां दी किस्मत आ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਨਿਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੋ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਨਿਸਾਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆਪ ਆਪਨੇ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਆਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मुश्किल भी था इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए बड़ी मशक्कत भी उठानी पड़ी उसके लिए हमारे अब्बास डोगर साहब मेरी पूरी टीम तौसीफ एफ सी यानी कि मेरे पूरे गांव ने इसमें बहुत अच्छा तावन किया बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा। अभी ये माशाल्लाह मैच बराबर हो गया प्लेंटी के लिए लोग आप देखें क्राउड कितना है तो फाइनली दोनों टीमों के लिए आप क्या कहेंगे? फाइनली दोनों टीमों के लिए लक है देखें जी दोनों टीमें मेहनत करके आगे आई हैं ये कौन सा कोई चोरगुजारी है मेहनत करके आए हैं माशाल्लाह हम दोनों के साथ हैं दोनों मेहमान टीमें जो सर बहुत शुक्रिया अभी क्योंकि काम जो है काफी गर्म हो गया। थैंक यू सो मच। Oh,
आज का ये टूर्नामेंट विन किया है, क्या कहेंगे सर टूर्नामेंट के हवाले से आप? बहुत अच्छा रन ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट सली वालों ने और हमें बड़ा खुशी हुई। हमारा बहुत ही अच्छे खास में दोस्त भाई तसीफ और अली शेर के नाम, ये हमारी जीत भी उनके नाम, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट करवाया। तनवीर भाई बहुत ज़बरदस्त आपने ये कहा कि दोनों प्लेयरों के नाम, और इस पहले तो ग्राउंड के हवाले से कोई बात कहेंगे आप? क्या बात है जी वास भाई की, सारी मैनेजमेंट की, बड़ा अच्छा ग्राउंड तैयार किया। पाकिस्तान में बहुत कम ग्राउंड ऐसे हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हैं, पहले ऐसे अवेलेबल नहीं थे ग्राउंड। दूसरी टीम के हवाले से कोई बात कहेंगे? अच्छा मैच हुआ जी, कोई बात नहीं, हार जीत होती है लेकिन गेम पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन हमें खुशी है कि हमने मैच भी। सर आपको मुबारक हो बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रियासत भाई, और आज का जो ये फाइनल था इसमें लूज़ किया है लेकिन हार जीत तो एक गेम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या कहेंगे आज के इस टूर्नामेंट के हवाले से? जी टूर्नामेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि जिन्होंने इतना अच्छा ये मैनेज किया और इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया, वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तक हैं। और ये टूर्नामेंट जंग रोड पे एक अपनी मिसाल आप था। रियासत भाई ये ग्राउंड के हवाले से कोई बात कहेंगे? माशाल्लाह आप तो खुशकिस्मत हैं, आपको इतना ज़बरदस्त ग्राउंड इस गांव के माहौल में मिला हुआ है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ग्राउंड है जो, ये इंटरनेशनल लेवल की ग्राउंड है, ये बहुत मेहनत की है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, और वाकई ये काबिले तहसीन बात है कि ये इतनी अच्छी ग्राउंड है जंग रोड पे। अच्छा जी, अब फाइनल टीम जो आपसे जीती है उनके लिए कोई बात कहना चाहेंगे? जी फाइनल टीम जो हमसे जीती है उसमें मोस्टली 6-7 बंदे डिपार्टमेंट लेवल पे खेलते हैं, हमारा तो सिर्फ एक ही बंदा था डिपार्टमेंट लेवल पे खेलने वाला, बाकी हमारे जो हैं लड़के वो सब मोस्टली न्यू हैं और वो कम एज हैं, अभी वो लर्निंग पीरियड में हैं, इंशाल्लाह ताला वो अभी चंद साल खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेटर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रियासत भाई एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मतीन, जिसकी वजह से आज हम यहाँ ग्राउंड में लेके आए हैं आप। मतीन भाई क्या हालचाल है? सर जी क्या कहेंगे जो टीम फाइनल जीती है? बहुत शुक्रिया चोर साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ीशान डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है जो मैच रेफरी है और जबरदस्त पाकिस्तान के नेशनल अंपायर है। रेफरी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ज़ीशान भाई पहले तो माशाल्लाह आपको ये मुबारकबाद दूंगा, बड़े अच्छे लेवल पे ये आप लोगों ने टूर्नामेंट कराया, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले? जी शुक्रिया जी बहुत बहुत, ये हमारे भाई बास डोगर और गाँव वालों की मुश्तरका काबिशों का नतीजा है जी, ये और ये इसका क्रेडिट सारा हमारे जो प्लेयर फौत हो चुके हैं जी, अली शेर और तसीर, ये उनकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है गाँव वालों की तरफ से और बास तो दिल में कोई ऐसी चीज आती है कि ये मैं बहुत मुश्किल फैसला कर रहा हूँ? जी मैं, मुझे इस फील्ड में आए हुए 6 साल हो चुके हैं जी, पहले 1-2 साल मुझे मसला हुआ था, उसके बाद हमारे साथ हैं जी राणा नसीर साहब फीफा रेफरी, ये उनके साथ मेरी ना काफ़ी बातचीत चलती रहती थी व्हाट्सएप पर और ऑनलाइन क्लासेस में, तो उन्होंने मेरी मुश्किल में काफ़ी मेरी मदद की है मुश्किलात को हल करने में। और ज़ीशान भाई बताइएगा इस ग्राउंड के हवाले से, माशाल्लाह आप और भी बहुत सारे ग्राउंडों में जाते होंगे, इस गांव के अंदर ये छोटी सी ग्राउंड इतनी प्यारी, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी मैं फुटबॉल बकर सरगोधा फैसलाबाद लाहौर और सब डिवीजन लेवल पे सब खेला हुआ हूँ, लेकिन इस तरह का ग्राउंड मैंने किसी जगह नहीं देखा जी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, थैंक यू सो मच जी।